हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोबिदांडी, दरवाजा लॉक मत कीजिए। क्या हो गया टप्पू? मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। टप्पू प्लीज अभी नहीं, मुझे बहुत अर्जेंटली मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। हाँ आंटी आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना हेयर ड्रायर दे दीजिए। हेयर ड्रायर क्यों? मुझे सख्त जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। टप्पू तुमने फिर से कोई शरारत की है। हाँ आंटी वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। प्लीज जल्दी से मुझे अपना हेयर ड्रायर दे दीजिए, मैं काम होते वापस दे दूंगा। ओके ठीक है ठीक है, आ जाओ। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी करना। हे भगवान, भिड़े अंकल को जल्दी घर मत भेजना प्लीज। लगी लगी लगी, थैंक यू, मैं काम होते आपको वापस दे दूंगा। थैंक यू, बाय 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 बाय। आ गया हेड ड्रायर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आराम से लगिन दे, जल्दी 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 जल्दी। अरे गोली प्लीज हैव पेशेंस। हां बेटी हो, लगिन तो करने दो। एक काम कर, तू वहां बैठ के बोर्ड पकड़ चल पहले। जल्दी 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 दे दे तब आराम से। हां ऑन ऑन ऑन, ये तो चालू नहीं हो रहा है यार। टप्पू तुझे चेक करके लाना चाहिए था ना यार। अरे रुको रुको रुको, स्विच ऑफ है, एक मिनट। एक मिनट इसको ना थोड़ा। अंजलि आंटी बोर्ड पे कीजिए। सॉरी टप्पू जल्दी देख, कोई अब्दुल भाई का फोन तो नहीं है। बोले बागा अंकल। हाँ छोटे सेठ जी बताइए, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मतलब? ये छोटे सेठ जी, वो भिड़े भाई के ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड टूट गया है ना, उसके लिए आपने मुझे आज फोन किया था। तभी मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अभी मैं एकदम फ्री हूँ। आप मुझे खाली बताइए कि मुझे कहाँ आना है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू बागा अंकल, हमने बोर्ड रिपेयर कर दिया, बस कलर सुखाना बाकी है। अच्छा तो मैं कलर सुखाने आ जाता हूँ। जब तक आप दुकान से सोसाइटी पहुँचेंगे तब तक तो बोर्ड का कलर सूख भी गया होगा और बोर्ड अपनी जगह लग भी गया होगा। हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा सुनिए छोटे सेठ जी, अगली बार जब आप सोसाइटी कंपाउंड में खेलेंगे ना तो मुझे जरा एडवांस में बता देना, ताकि क्या है मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि कभी भी कुछ भी टूट सकता है। हाँ 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 तो बागा अंकल मेरे पास ना अभी बात करने का टाइम नहीं है, तो मैं आपसे बाद में बात करूं। बाय बाय। चिल्ला क्या रहा है? ऐसा क्या देख लिया आपको? मतलब आप दोनों गोडाउन में कब आ गए पता ही नहीं चला, तो अचानक देखा ना इसलिए डर गया। अरे भाई तू क्या हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, एक जगह खड़ा रहे और बता। इतने प्यार से तो किससे बात कर रहा था, बावरी से ना? नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ बात नहीं कर रहा था। अच्छा तो इतने प्यार से किससे बात कर रहा था, भाई किसको बोल रहा था? मैंने आज सुबह आपको कहा था ना, वो छोटे लाल सेठ जी का फोन था, तो वापस उन्होंने फोन किया था चेक करने के लिए कि उनका फोन ठीक हुआ कि नहीं। ओहो मतलब हमारे कस्टमर लोगों को तो हमेशा इतने प्यार से भाई बोलता है। बागा बॉय दिस इज नॉट डन, इतने प्यार से तो तूने मुझे भी कभी भाई नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है नट्टू काका, ये बावरी से ही बात कर रहा था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी के साथ बात नहीं कर रहा था। तो शादी से पहले एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर? नहीं नहीं नट्टू काका। अरे झूठ बोल रहा है नट्टू काका, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी। आप चाहो तो मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए बस। नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है ना, आपको मुझ पे पूरा भरोसा है ही। नहीं नहीं है बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा नहीं है, मोबाइल तो चेक करना ही पड़ेगा बेटा। ला नटू काका। दे दे बेटा। काकुस यूटू। अरे टाइम पास क्या कर रहा है जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे ऐसा किससे बात कर रहा था कि इतना छुपा रहा है तू? मैं छोटे सेठ जी से ही बात कर रहा था। चल झूठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नट्टू काका ये तो सच में टप्पू से ही बात कर रहा था। एक मिनट, मतलब पहले भी तूने जो कहा था कि छोटे लाल जी का फोन है,
तभी टप्पू का फोन था जी। तो टप्पू ने क्यों फोन किया था तुझे? अरे खड़ा क्या बता। सॉरी छोटे सेठ जी ने मुझे आपको बताने से मना किया है। अरे छोटे सेठ जी ने मना किया तो मैं तेरा बड़ा सेठ जी हूँ। सेठ जी आप बागा को कंफ्यूज कर रहे हैं, बड़े सेठ जी आप नहीं है। तो कौन है? बड़े सेठ जी यानी बापू जी, छोटे सेठ जी यानी टप्पू सेठ। आप खाली सेठ जी है। अरे जो भी है टप्पू से तो बड़ा ही हूँ ना मैं। और देख भाई टप्पू जो है वो सेशन कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट हूँ। तो सेशन कोर्ट का चुकादा है ना वो हाई कोर्ट में नहीं चलता है। अभी केस हाई कोर्ट में आ गया है तो हाई कोर्ट को अभी जो भी है सब सच सच बताना पड़ेगा भाई। चल बता बता बात क्या है। जी मैं कसम खाता हूँ। क्या कर रहा है तू? पूरे बाल खराब कर दिए। ये क्या किया तूने? नटू काका आप गीता की तरह पवित्र हो इसलिए आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आके भाई के। जी तो माई सेठ सेठ जी आज सोसाइटी कंपाउंड में फुटबॉल खेलते हुए टप्पू सेठ जी से बीड़े भाई के ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड टूट गया। क्या? और वो बोर्ड रिपेयर करवाने के लिए टप्पू सेठ जी का मुझे फोन आया था। टप्पू सेठ जी जस्ट चिल प्लीज। अरे क्या चिल? वो भीड़ के बोर्ड के बारे में पता चलेगा ना तो वो मुझे छील देगा। एक काम कर अपने फोन से टप्पू को फोन लगा। नहीं मैं नहीं लगा सकता। अरे क्यों नहीं लगा सकता भाई? कैसे लगाऊं? मेरा फोन आपके हाथ में है। ठीक है मैं ही लगाता हूँ। मेरे पीछे पीछे क्या खड़ा रहना भाई एक जगह। ओए ये पक्का अब्दुल भाई का ही फोन होगा यार। अरे बागा अंकल का ही फोन है भाई उठाना यार। हाँ बोलिए बागा अंकल। बागा अंकल नहीं बेटा पापा अंकल। अबे पापा बोल रहा हूँ। पापा पापा आप बागा अंकल के फोन से फोन क्यों कर रहे हैं? आपका फोन बिगड़ गया है क्या? नहीं नहीं बेटा मेरा फोन बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने फोन से तुझे फोन करता तो तू मेरा फोन उठाता नहीं ना। पापा मैं आपका फोन क्यों नहीं उठाऊंगा? तूने जो कांड किया है उसकी वजह से बेटा। मैंने क्या कांड किया पापा? ए भोला मत बन, बागा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बागा अंकल ने आपको सब बता दिया? सॉरी छोटे सेठ जी। चुप रहे टप्पू, मैंने तुझे बोला था ना कि भाई संभल के फुटबॉल खेलना। पापा मैं संभल कर ही खेल रहा था। अरे अगर संभल के खेल रहा था तो बोर्ड के ऐसे सामने से उड़ के आके तेरे फुटबॉल से टकराया और टूट गया? वो तो गलती से। गलती? अरे तू हर बार यही बोलता है गलती। अरे भाई तुझे गलती करने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं बेटा? हर बार गलती तू करता है और भुगतना मुझे पड़ता है। आज भी तेरी वजह से भीड़े मुझे खरी खोटी सुनाएगा और पूरी सोसाइटी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पापा हमने बोर्ड रिपेयर कर दिया है, बस कलर ही सुखा रहा है। थोड़ी देर में भिड़ेंगा का बोर्ड जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा। देख टप्पू, आज अगर तेरी वजह से भीड़े ने मुझे एक भी ताना मारा ना तो तेरी खैर नहीं है। डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि आंटी आप जल्दी से बोर्ड सुखाइए वरना भीड़ अंकल तो मुझे सजा देंगे और पापा ने भी कहा है कि मेरी खैर नहीं। प्लीज आप बोर्ड सुखाइए। हाँ, हाँ, सुखाइए। टप्पू हो सके उतना जल्दी कर रही हूँ बेबी। देवा ये कलर जल्दी से सूख जाए। भाभी प्लीज टेंशन मत लीजिए, कलर सूख जाएगा, मैं हूँ ना। नहीं अंजलि भाभी कलर तो सूख जाएगा लेकिन उसके पहले ये आ गए तो। अरे चुप चुप बोलिए। और माधवी भाभी डोंट वरी, हमने अब्दुल भाई को बोल दिया है ना अगर भीड़े भाई आएंगे तो वो अपने दुकान पे उन्हें रोक लेंगे। अब्दुल भाई हाँ, एक ब्रेड का पैकेट दो ना। हाँ, अभी दिए। बड़ा क्या छोटा? बड़ा बड़ा ले। अरे अब्दुल भाई हाँ? पैसा तो दो। अरे मेरे पास छुट्टा नहीं है। छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। छुट्टा बाद में दे देना। जा जा जा। अरे भिड़े भाई भिड़े भाई अभी नहीं अब्दुल, बाद में।
अरे आज से मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं और मेरे बहुत सारे काम बाकी है, और वैसे ही माधवी ने आज मुझे घुमा घुमा के परेशान कर दिया। पता है, पता है आपके ट्यूशन की क्लासेस चालू होने वाली ना, वो पता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। लेकिन भिड़े भाई, लेकिन लेकिन कुछ नहीं अब्दुल, बाद में मतलब बाद में। हाँ चलो भिड़े भाई, वो टायर पंचर है। क्या बोला अब्दुल, क्या बोला? टायर पंचर है। टायर पंचर है? हाँ देखो कौन सा, पीछे वाला टायर। क्या बात कर रहे? टप्पू को मिस कॉल देके इन्फॉर्म कर देता। अब्दुल भाई का मिस कॉल। अंजलि आंटी जल्दी कीजिए, भिड़े अंकल आ गए। आले आले आले, संपला सगळा आता। ओ अब्दुल, कहाँ पंक्चर है? बिल्कुल पंक्चर नहीं है। पीछे वाला टायर मतलब मेरी तरफ वाला, ये 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 टायर पंक्चर है। अरे तो पीछे वाला की बोला, वो तो साइड वाला टायर है ना। ओ गलती से मुंह से निकल गया। पता नहीं टप्पू सेना को बोर्ड ठीक करने में और कितना टाइम लगेगा। अंजलि भाभी, सूखा कि नहीं कलर? एक सेकंड। हाँ माधवी भाभी, लेट मी चेक। ऑलमोस्ट देयर। अब्दुल ये टायर भी सही है भाई। आगे वाला टायर एक ठहरो ना कहते। इसके बाद भिड़े भाई को कैसे रोकू? और कोई टायर बचा भी तो नहीं है। टप्पू सेना प्लीज जल्दी करो प्लीज। गाइस कलर सूख गया। अरे गोली अभी गिर जाता तो बोल। पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सॉरी आता सोडा लौकर लावा था बोर्ड। अरे बोर्ड लगा क्या? ओए एक मिनट, क्या हुआ? अंकल ने हमें बोर्ड के साथ देख लिया तो? बोगी अब्दुल भाई ने भिड़े अंकल को उनकी दुकान पे रोक के रखा है ना। एक का एक चीज तुझे 10 बार बोलने का बोगी यार। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो प्लीज संभाल के। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ए बारिश। अरे क्या चल रहा है? भिड़े भाई ठीक से चेक करो, आराम से चेक कीजिए। हाँ कर रहा हूँ अब्दुल। जल्दी करो गोगी। पिंकू तुम दोनों सीढ़ी लेकर आओ। क्या जल्दी करो, अभी बोला आराम से करो, अभी बोलता है जल्दी करो। ये टायर बिल्कुल ठीक है, कहीं पंक्चर नहीं है। कुछ तो पंक्चर हुआ है। तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया है। जाओ डॉक्टर हाथी को दिखाओ। हाथी भाई घर पे नहीं है। हाँ तो सोडी के पास जाओ गैराज में, वो भी पंक्चर ठीक करता है। आज ताले का मैं टाइम पास करते है। टपुड़ा दादाजी, दादाजी भिड़े अंकल। दादाजी बोर्ड रिपेयर हो गया है, बस इसे लगाना है। जल्दी लगाओ। हाँ सीढ़ी 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 आ रही है, सीढ़ी आ रही है। एक मैं ना ऊपर जाके चादर निकाल लेती हूँ। चालू हो जा, चालू हो जा। चलो अरे सकरा। चल भाई। क्या हुआ? टेल लाइट है? टेल लाइट। टेल लाइट का क्या? चल नहीं रही है। अच्छा
अरे चल तो रही है अब्दुल। कसम से अभी चल नहीं रही थी। अब्दुल लगता है तुम्हारे आंखों में भी प्रॉब्लम हो गया है। दिमाग के साथ साथ ना आंखों का भी इलाज करवा लो अभी। भिड़े भाई, आती भाई घर पे नहीं है। अरे मेरा टाइम खराब कर रहे तुम। अरे भिड़े भाई, अरे अब क्या हुआ अब्दुल? अरे क्या हुआ भिड़े भाई, इधर तो आइए। क्या हुआ अब्दुल? ये देखिए। क्या देख लो? अरे भाई आप खुद देख लो ना। जल्दी करो, वो आ जाएंगे। क्या कुछ भी तो नहीं अब्दुल। ये देखो कितना कितना रंग काला हो गया। देखो अब तो ठीक है ना अब्दुल, बारिश का मौसम है, पेड़ से कुछ गिर गया होगा तो काला हो गया होगा। ठीक तो करना पड़ेगा ना भिड़े भाई। इस काले दाग की वजह से हमारी खूबसूरत गोकुलम सोसाइटी पे दाग नहीं लगना चाहिए ना अब्दुल। ए अब्दुल, वो देखो क्या है इधर। अरे वो देखो ऊपर क्या है। क्या है? देखो देखो ऊपर देखो भाई, और थोड़ा ऊपर देखो। देखो देखो ऊपर देखो। ए भिड़े भाई, भिड़े भाई, मुझे गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहे? भिड़े भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ तू बाकी होता, लेकिन गुड आफ्टरनून क्यों? आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे ना, गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे। ये गोया गुलाब कुमार, वो तो मैं जानता हूँ कि आफ्टरनून को गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग ऐसे अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आप लोग? कुछ नहीं है, ये सब लोग गप्पे लड़ा रहे थे तो मैं भी चला आया गप्पे लड़ाने। कमाल है, मतलब इतनी बारिश में आप लोग किसी के घर में बैठ के गप्पे नहीं लड़ा रहे, ऐसे बाहर सोसाइटी कंपाउंड में एक छाता लेके गप्पे लड़ा रहे। मजा आता। लेकिन ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे ऐसे खड़े लेके गप्पे लड़ा रहे हो? अरे भिड़े भाई, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, मस्त समा है, तो हम लोग समोसे के बारे में बात कर रहे थे। आप टोमेटो लेकर आए ना? टमाटर? इसने मुझे बोला था कि आलू लेके आओ, अभी आप टमाटर बोल रहे? अरे कोमल भाभी, मैंने पूछा था भाभी को फोन करके, तो इससे बार बार बोला मटर चाहिए मटर नहीं चाहिए, मटर चाहिए मटर नहीं चाहिए। अरे क्या गोंधल का है? बटाटा वाटा बन रहा है क्या, समोसे बन रहे हैं माधवी? आहो, कोमल भाभी को पता नहीं है ना इसलिए। फ्रेंड्स बाय द वे, सीढ़ी अभी तक वही है। तो डिस्कस क्या? सीढ़ी यहाँ पे क्या कर रही है? ये सीढ़ी यहाँ पे किसने लगाई? भाई ये भिड़े बनाम टपू सेना के बीच का एक खेल देखते तुम्हारे पसीने छूट गए, इतना उतार चढ़ाव, इतना तनाव। लेकिन तनाव के बीच में भी आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का ये दिन शुभ है, हमारे लिए दो खुशखबरी लेके आए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आज के पावन दिन प्रारंभ होने वाली
भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कच्ची भाइयों को नया साल मुबारक, नया वर्ष मुबारक। साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, कितना भी संभालिए फिसलता जरूर है ये वक्त साहब, बदलता जरूर है, और वक्त यूं बदलता है कि जीत हार में, हार जीत में बदल जाते हैं। अब देखिए ना, टप्पू सेना ने भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड रिपेयर करवा दिया और भिड़े के आने से मैंने लगा भी दिया, लेकिन सीढ़ी हटाना भूल गए और भिड़े ने सीढ़ी देख ली, और इस सीढ़ी ने भिड़े के दिल और दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। स्थिति ऐसी है कि टप्पू सेना और भिड़े के बीच का मैच टाई हो गया। अब निर्णय होगा सुपर ओवर में। अब सुपर ओवर में कैसी गेंदबाजी होगी, कैसी बल्लेबाजी होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है रोमांच भी होगा, तनाव भी होगा, लेकिन होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।